हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जीन एक्सप्रेशन के बारे में। नीट 2024 के लिए अपन बात करेंगे और जीन एक्सप्रेशन अपन जान के छोड़ेंगे इस टॉपिक में कि जीन एक्सप्रेशन क्या होता है। इससे पहले कि मैं आपको जीन एक्सप्रेशन पढ़ाऊं, उससे पहले मैं बताता हूं जीन क्या होता है। जीन एक डीएनए का पार्ट होता है। डीएनए पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है, तो हर एक इंफॉर्मेशन को अपन जीन बोलते हैं। तो एक तरीके से डीएनए की फंक्शनल यूनिट है जीन। तो जीन में होता क्या और जीन का एक्सप्रेशन अपन कैसे पढ़ते हैं, क्यों अपन को जीन का एक्सप्रेशन पढ़ने की जरूरत है। तो मैं बोलता हूं ये डीएनए है। इस डीएनए पे आपने पढ़ा होगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में कि 5 डेज 3 डेज एंड होता है। और यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, मैंने एक जगह को यहाँ पे नोट कर दिया और उससे मैंने बोल दिया जीन है। अब इस जीन से क्या हुआ, डीएनए। तो डीएनए से पहले आरएनए बनेगा। आपने सेंट्रल डोगमा का कॉन्सेप्ट अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूँ। डीएनए से हर एक सेल में पहले आरएनए बनता है। अच्छा, जरूरी नहीं है आगे एक्सप्रेशन हुई फिर बनता है प्रोटीन। इस तरीके की एक सीक्वेंस चलती है जिसे अपन सेंट्रल डोगमा बोलते हैं। ये एक नॉर्मल सा सेंट्रल डोगमा है जिसमें अपन बोलते हैं कि डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए से प्रोटीन बन जाएगा। अब देखो क्या होता है, जीन है वो लास्ट प्रोडक्ट क्या बनाता है। लास्ट प्रोडक्ट वो आरएनए बना सकता है, प्रोटीन बना सकता है। आरएनए कैसे, क्या हर एक आरएनए प्रोटीन बनाता है? तो हर एक आरएनए प्रोटीन नहीं बनाता है। जो एमआरएनए होता है, जो मैसेंजर आरएनए होता है, वही आगे जाके प्रोटीन बनाता है। टीआरएनए आरआरएनए आगे जाके प्रोटीन नहीं बनाता है। टीआरएनए कहीं ना कहीं ट्रांसफर करने का काम करता है। वो एमिनो एसिड को साइटोप्लाज्म में राइबोसोम के साथ में ट्रांसमिट करता है जिससे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। और आरआरएनए एक तरीके से राइबोसोम की स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। तो आरएनए, ये आरआरएनए और टीआरएनए कहीं ना कहीं प्रोटीन बनाने में हेल्प नहीं करता। तो डीएनए से आरएनए बन सकता है फाइनल प्रोडक्ट और डीएनए से आगे जाके प्रोटीन भी बन सकता है फाइनल प्रोडक्ट। इसका एक्सप्रेशन अपन कंट्रोल करने वाले हैं। अब मैं बोलता हूं जीन का एक्सप्रेशन, अपनी बॉडी में जितनी भी सेल है जेनेटिकली सब आइडेंटिकल है। अपनी बॉडी की मैं अगर बात करूं, मैं ब्रेन से लेके अगर पूरी बॉडी की बात करूं, ब्रेन में, लीवर में, किडनी में, हार्ट में, सब जगह जितनी भी सेल्स हैं वो सब जेनेटिकली आइडेंटिकल। जेनेटिकली आइडेंटिकल का मतलब, होने का मतलब क्या है कि हर एक सेल में डीएनए सेम है, यही जेनेटिकली आइडेंटिकल। यहाँ पर तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पेनक्रियाज सेल, पेनक्रियाज सेल और लीवर सेल में। पेनक्रियाज सेल में क्या काम हो रहा है, लीवर सेल में क्या काम हो रहा है। यहाँ पे डीएनए दोनों में सेम है लेकिन दोनों में काम अलग अलग हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अपनी बॉडी में जितनी भी सेल्स है उन सेल में जो डीएनए पड़ा हुआ न्यूक्लियस में, तो ये सेल है, इस सेल में ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में ये डीएनए पड़ा हुआ है। ये डीएनए का एक इंपॉर्टेंट पार्ट जिसे अपन जीन बोलते हैं। जीन से आरएनए बनेगा और आरएनए यहां से मैसेज की फॉर्म में बाहर निकलेगा और ये राइबोसोम यूनिट को जाके बोलेगा कि बॉस ने बोला है कि ऐसी प्रोटीन बनाओ। तो अपन एक्चुअल में करना क्या चाह रहे हैं, अपन एक्चुअल में जो प्रोटीन बनना है उसका ये कितना अमाउंट बनना उसे कंट्रोल करना चाह रहे हैं और कब बनना है वो भी कंट्रोल करना चाह रहे हैं। तो एक तरीके से प्रोटीन के बनने के अमाउंट को और प्रोटीन के बनने के टाइम को कि कब वो प्रोटीन फॉर्म होना है, हर कभी हर कहीं हर कैसी प्रोटीन नहीं बन सकती, इन सबको कंट्रोल किया जाता है। तो यहां कहीं ये यही बात है कि जीन से ये प्रोटीन का अमाउंट और टाइमिंग कंट्रोल करेंगे अपन। एक एक करके बात करता हूं। अब मैं सबसे पहले ये बोलता हूं कि अपनी बॉडी में जितनी भी सेल्स है उनकी क्या क्या नीड है, जीन एक्सप्रेशन की नीड क्या क्या है। तो जीन एक्सप्रेशन की नीड क्या क्या हो सकती है, जीन एक्सप्रेशन की नीड हो सकती है कि सेल में मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलती है। अपनी बॉडी में जितनी भी सेल है सब में मेटाबॉलिज्म चलता है, लिविंग सेल तो मेटाबॉलिज्म चलेगा। मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए क्या चाहिए, मेटाबॉलिज्म में क्या इन्वॉल्व होता है, तो मैं बोलता हूं एंजाइम इन्वॉल्व होता है। तो अपनी बॉडी में अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है तो एंजाइम का कहीं ना कहीं रोल आता है। अगर एंजाइम का रोल आता है एंजाइम तो बने होते हैं प्रोटीन से, इसका मतलब प्रोटीन कहीं ना कहीं बन रही जीन से। तो यहां पे एंजाइम बनाने के लिए प्रोटीन चाहिए होता तो प्रोटीन का यहां पे कंट्रोल करना पड़ेगा। तो अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटी अपनी सेल में चल रही है तो एंजाइम का कंट्रोल यहां पे रेगुलर, जैसे मैं बोल देता हूं कि जो बैक्टीरिया है, कोई भी बैक्टीरिया, जैसे इकोलाई बैक्टीरिया है, इकोलाई बैक्टीरिया में या फिर किसी भी बैक्टीरिया की बात कर ले, इकोलाई बैक्टीरिया में एक एंजाइम बनता है जिसे अपन बोलते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो एंजाइम है वो क्या क्या करता है, वो लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म करता है, वो लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। तो मैं अगर यहाँ पे लिख दूं कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो एंजाइम है वो क्या करता है, वो लैक्टोज को किसमें कन्वर्ट करता है, वो लैक्टोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में वो कन्वर्ट करता है, ऐसा कुछ वो ऐसा प्रोडक्ट बनाता है। तो ये एक तरीके से यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व हुआ है बीटा गैलेक्टोसाइडेज वो क्या करता है, लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म करता है। तो ये एक तरीके से उस बैक्टीरिया की नीड हो गई, उस बैक्टीरिया की मेटाबॉलिक नीड होगी। ऐसा अपनी सेल में भी बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो कहीं ना कहीं प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को,
फैट को लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए चाहिए होते हैं, तो मेटाबॉलिक नीड हो सकती है एक तो सेल की, फिजियोलॉजिकल नीड भी हो सकती है। फिजियोलॉजिकल नीड क्या, जब आप छोटे से बच्चे थे तो आपकी बॉडी में जो ब्रेन है, जहां पे ब्रेन है वहां पे एक पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन का आपने नाम सुना होगा जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन आपकी बॉडी की ग्रोथ करने के लिए प्रमोट करता है, हर एक सेल को वो कहीं ना कहीं ग्रोथ करने के लिए बोलता है। तो अगर मैं बोलता हूं कि आपकी बॉडी में अगर हार्मोन बन रहा है तो हार्मोन का भी कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल प्रोटीन जैसा कुछ मटेरियल होता है। तो अगर हार्मोन बन रहा है और आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी चेंज होती है, अच्छा जरूरी नहीं है कि ये फिजियोलॉजिकल जो नीड है वो हर टाइम सेम बनी रहे, हर टाइम सेम बनी नहीं रह सकती, क्योंकि आपकी बॉडी का जो मैक्सिमम ग्रोथ है वो 22 ईयर तक होता है। मैक्सिमम मैं 22 ईयर बता रहा हूं, 22 ईयर के आसपास आपकी बॉडी की ग्रोथ रुक जाती है, तो आपकी बॉडी में फिर ग्रोथ हार्मोन का रिलीज होना बंद हो जाएगा। इसका मतलब फिजियोलॉजिकल जो नीड है वो आपका टाइम और उसकी नीड हमेशा बनी रहे ये कोई जरूरी नहीं है। तो फिजियोलॉजिकल नीड है जिसमें अपन हार्मोन को लेकर समझ सकते हैं, तो फिजियोलॉजिकल नीड भी है सेल की, जीन को लेकर। एनवायरमेंटल नीड भी हो सकती है, मुझे कहीं दूसरी जगह जाके सर्वाइव करना है और उस एनवायरमेंट की डिमांड है कि मेरी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर हाई रहना चाहिए। तो हाई रहने का केस ये है कि वहां पे वो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए मान लेता हूं कि मेरी बॉडी में कोई प्रोटीन का बनना बहुत जरूरी हो गया है, इसलिए एनवायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए मुझे उस प्रोटीन को फॉर्म करना पड़ेगा। तो एक तरीके से मेरी सेल की एक एनवायरमेंटल नीड हो गई कि अब वो प्रोटीन बनना ही बनना है। एनवायरमेंटल नीड भी हो सकती है, ये सर्वाइवल के लिए हो सकती है। इसके बाद में लास्ट का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट। आपको सबको पता होगा कि जब एक गैमेट मिलता है, एक 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 सेल एक एक स्पर्म सेल से फ्यूज होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो एक जायगोट बनता है, एक जायगोट टू वन कंडीशन बन जाता है, एक सिंगल सेल बनती है और सिंगल सेल में डिफरेंशिएशन होता है। और आप एक जायगोट का ही तो एलाबोरेटेड फॉर्म हो, अपन एक जायगोट थे, एक दिन एक सिंगल सेल थे, तो अपना जो जायगोट डेवलप किया है उसमें क्या होता है, धीरे धीरे सेल डिवीजन चलता है, उसमें सेल डिवीजन चलता है, उसमें माइटोसिस होता है, उसमें सेम टाइप की बहुत सारी सेल बनती है और फाइनली आपने देखा होगा उसमें तीन टाइप की लेयर बनती है जिसे अपन ऐसे नाम बोलते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। और आगे जाके आपके जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं, जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, अलग अलग पार्ट अलग अलग लेयर से बनते हैं, एक्टोडर्म से अलग बनता है, मेसोडर्म से अलग बनता है और एंडोडर्म से अलग पार्ट बनता है। तो आप एंडोडर्मल, मेसोडर्मल और एक्टोडर्मल ओरिजिन के ऑर्गन्स पढ़ते हैं। तो ये क्या है, ये यहां से डिफरेंशिएशन हुआ है, सेल सेम है लेकिन डिफरेंशिएशन हुआ है क्योंकि आपकी बॉडी का डेवलपमेंट करना है। तो डिफरेंशिएशन और डेवलपमेंट के लिए भी आपकी सेल के जो जीन है उसकी नीड हो सकती है। ये बात मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ गई। तो ये आपकी सेल की मेटाबॉलिक नीड है, ये आपकी फिजियोलॉजिकल नीड है, ये एनवायरमेंटल नीड है और ये डिफरेंशिएशन और डेवलपमेंट को लेके आपकी सेल की जीन को लेके एक नीड हो सकती है। अब मैं बोलता हूं कि आपको ये जो जितनी बात मैंने बोली है, मैं एक आपको लास्ट में एक स्टोरी बता के भी सुनाऊंगा, लेकिन पहले आपको ये मेन कॉन्सेप्ट कोर कॉन्सेप्ट समझ लो। देखो अगर मैं यूकैरियोटिक सेल बना दिया, मैंने ये एक यूकैरियोटिक सेल है, दिस इज यूकैरियोटिक सेल, ये कौन सी सेल है, यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के केस में क्या हुआ, देखना अपनी सेल के केस में क्या होता है, ये जीन है या फिर इसे मैं डीएनए बोल देता हूं, ये डीएनए, इस डीएनए में क्या हुआ, इस डीएनए से हुआ ये कि इस डीएनए से एचएनआरएनए बना है, इसे हेटरोजीनस आरएनए बोलते हैं, हेटरोजीनस आरएनए बना है, इसके बाद में इसका मॉडिफिकेशन होगा और इससे बनेगा फिर एमआरएनए। देखो एमआरएनए छोटा होता है, इसका मतलब एचएनआरएनए बड़ा होता है, इसके बाद में यहां से प्रोटीन बनेगी राइबोसोम, यहां से क्या बना देगा, साइटोप्लाज्म में प्रोटीन बना देगा। इस तरीके से यूकैरियोटिक सेल में एक एक्सप्रेशन चलता है कि डीएनए से पहले एचएनआरएनए बनता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, देखो डीएनए में से ये डीएनए से डीएनए ही बनता है सेल में, इसे अपन डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को अपन ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो ये जो लेवल है इसे अपन बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ये है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे अपन जीन को कंट्रोल कर सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे ट्रांसक्रिप्शन को रोक दिया तो ये जीन का एक्सप्रेशन यहां तक नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। ये जो हुआ है ये ट्रांसक्रिप्शन के बाद में क्या हुआ, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन बोलते हैं इसे, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन मॉडिफिकेशन हुआ है, किसका मॉडिफिकेशन हुआ है, इसमें आरएनए का मॉडिफिकेशन हुआ, जिसे अपन लास्ट में स्प्लाइसिंग प्रोसेस तक अपन कंट्रोल कर लेते हैं। मतलब एचएनआरएनए से एमआरएनए अगर नहीं बनेगा तब भी यहां पे जीन का एक्सप्रेशन कंट्रोल हो सकता है। इसके बाद में क्या बोला, इसके बाद में ये बोला कि एमआरएनए यहां से ट्रांसपोर्ट होगा,
यहां से ट्रांसफर होगा, तो ये ट्रांसपोर्ट लेवल पे भी अपन इसे कंट्रोल कर सकते हैं, जीन के एक्सप्रेशन को ट्रांसपोर्ट लेवल पे भी अपन कंट्रोल कर सकते हैं। और लास्ट में जो ये प्रोटीन बनता है, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं क्या, क्या नाम बोलते हैं इसका, इसका सबको नाम पता होगा या फिर नहीं पता तो जान लो, इसका नाम है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन प्रोसेस को भी अपन रोक सकते हैं। इसका मतलब यूकैरियोटिक सेल में अपने पास में एक जीन को रोकने के लिए, जीन के एक्सप्रेशन को रोकने के लिए बहुत सारी स्टेप अपने पास में होती है। कौन कौन सी स्टेप? एक है डीएनए से एचएनआरएनए बनना, जिसे अपन नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे अपन रोक सकते हैं। ट्रांसक्रिप्शन का जो मॉडिफिकेशन हो रहा है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे भी अपन जीन के एक्सप्रेशन को रोक सकते हैं। अपन ट्रांसफर कर रहे हैं इसे, ये यहां से न्यूक्लियर पोर से बाहर निकलता है एमआरएनए, तो यहां पे भी इसे अपन रोक सकते हैं और ट्रांसलेशन लेवल पे भी रोक सकते हैं। इसका मतलब यूकैरियोटिक सेल में कंट्रोल अच्छा खासा होता है, और ऐसा अपनी सेल करती भी है जैसी उसकी डिमांड होती है, जैसी उसकी नीड होती है। उसके बारे में बोलता हूं, क्या प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा होता है क्या? तो मैं बोलता हूं प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा नहीं होता। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है आपको पता होगा, प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होता है वो कहीं ना कहीं साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है, जिसे अपन न्यूक्लियोइड बोल देते हैं। न्यूक्लियर जो फेज होती है वो एक डीएनए, डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। और डीएनए में क्या होता है अगर मैं यूकैरियोटिक सेल के लेवल पे बात करूं, तो ये एक पार्ट मैंने बनाया, ये जो पार्ट मैंने यहां पे लिखा है, इस पार्ट को अपन बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। यहां से ट्रांसक्रिप्शन होगा और ये डीएनए से कहीं ना कहीं आरएनए बनाने की मैं बात कर रहा हूं, और आरएनए आगे जाके प्रोटीन या फिर कोई एंजाइम बनाने में इन्वॉल्व हो सकता है, तो यहां से प्रोटीन बनेगी, ऐसा कुछ होगा यहां पर। तो ये जो जीन है यहां से कुछ ना कुछ आरएनए बनेगा, तो ये जो पूरी यूनिट है, अब इस पूरी यूनिट में कौन कौन आता है, एक तो आता है प्रमोटर, एक आता है स्ट्रक्चरल जीन, एक आता है टर्मिनेटर, ऐसे तीन यहां पे बड़े बड़े नाम होते हैं, जिसको आपको पूरे को मिला के अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोल देते हैं। ऐसी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट मैंने यहां पर बना रखी है, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। आपको ये जानना चाहिए कि हर एक प्रमोटर के पास में एक ऑपरेटर होता है, हर एक प्रमोटर के साथ में क्या होता है, ऑपरेटर होता है, जो कहीं ना कहीं जो इस स्ट्रक्चरल जीन को या फिर इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को, जो मेन जीन है, इसको कंट्रोल करने वाला कोई दूसरा जीन होगा, इस जीन को अपन रेगुलेटरी जीन बोलते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में भी कहीं ना कहीं जीन का कंट्रोल तो होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में जीन का कंट्रोल कहां पे हो सकता है? मेरे हिसाब से प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होता है, तो मैं ये मेरा डीएनए बना देता हूं, इस डीएनए से क्या बन सकता है, आरएनए बनेगा और आरएनए से प्रोटीन बनेगी। तो मैं बोलता हूं प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा कुछ नहीं होता जैसा यूकैरियोटिक सेल में होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में अपन इस आरएनए बनने को रोक सकते हैं और इसको प्रोटीन बनने को रोक सकते हैं, दो लेवल पे अपन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी यहां पे भी मैं बोलता हूं कि जैसे ही आरएनए बनता है, वैसे ही साथ में जैसे आरएनए बन के यहां पे पूरा साइड में भी नहीं हो, वैसे ही प्रोटीन बनना चालू हो जाती है। तो ऐसा यहां पे ये कपल्ड रिएक्शन होती है, कपल्ड रिएक्शन यहां पे साथ साथ में चलती है, इसलिए यहां पे अच्छा कंट्रोल नहीं होता, फिर भी यहां पे कंट्रोल तो करना पड़ेगा, जीन का एक्सप्रेशन तो कंट्रोल करना पड़ता है। तो यहां पे जीन, आरएनए, प्रोटीन का कंट्रोल हुआ। अब जो यूके, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें ये जो मेन जीन है, इसको यहां पे कंट्रोल करने वाली एक जीन है, जिसे अपन रेगुलेटरी जीन बोलते हैं। रेगुलेटरी जीन दो तीन टाइप की हो सकती है, दो तीन टाइप की, कैसे, दो टाइप की मैं बताता हूं। एक जीन है जो इस जीन के, ये जीन के एक्सप्रेशन को प्रमोट करती है, इसे एक्साइट करती है, इसे प्रमोट करेगी तो इसका जीन का एक्सप्रेशन होगा, या फिर इस जीन को इनहिबिट करती है, इस जीन के एक्सप्रेशन को सप्रेस करती है, इस जीन के एक्सप्रेशन को सप्रेस करेगी तो ये आरएनए नहीं बनेगा और ये प्रोटीन नहीं बनेगा। तो यूकैरियोटिक सेल में दो तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, या फिर प्रोकैरियोटिक सेल में भी दो तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, कि एक तो प्रोटीन ये यहां से ऐसी प्रोटीन बने, इस जीन से ऐसी प्रोटीन बने जो इसके प्रमोटर के ऑपरेटर को जाके बोल दे कि एक्सप्रेशन नहीं करना है, या फिर यहां से ऐसी प्रोटीन बने जो इसके ऑपरेटर को जाके बोले कि नहीं आगे एक्सप्रेशन कराओ। तो दो तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, अपनी हर एक सेल में दो तरीके से कंट्रोल होता है, दो तरीके की जीन होती है मेनली। एक ऐसी जीन है जिसका एक्सप्रेशन हमेशा होना है, जैसे मैं तुम्हें बोलता हूं आपकी बॉडी में प्रोटीन हमेशा बननी चाहिए, किसी न किसी चीज में आपको प्रोटीन तो चाहिए होगी। जैसे मैं बोलता हूं कि आपकी आरबीसी सेल बन रही है, आपकी डब्ल्यूबीसी सेल बन रही है, आपकी प्लेटलेट सेल बन रही है, तो प्रोटीन तो बनना पड़ेगा। प्रोटीन बनाने के लिए आपको टीआरएनए चाहिए, टीआरएनए मतलब ट्रांसफर कर, वो जो एमिनो एसिड को ट्रांसफर करता है वो चाहिए। इसका मतलब टीआरएनए बनाने वाली जीन का एक्सप्रेशन हमेशा रहेगा। इसके बाद में मैं तुम्हें बोलता हूं कि आपकी बॉडी में आरआरएनए बनाने वाली जीन का एक्सप्रेशन हमेशा होता रहता है, क्योंकि राइबोसोम हमेशा एक्टिव फेज में रहना चाहिए ताकि प्रोटीन हमेशा बनता रहे। इसका मतलब टीआरएनए बनाने वाली जीन, आरआरएनए बनाने वाली जीन, और मैं बोलता हूं आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी हमेशा चलती रहती है। तो आपकी सेल अगर जिंदा रहना चाहती है
तो उसको कहीं ना कहीं ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस करना पड़ेगा। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस करने के लिए आपको ग्लाइकोलाइसिस में बहुत सारी स्टेप्स होती है, उन्हें बहुत सारे एंजाइम होते हैं। एंजाइम का रॉ मटेरियल क्या है? प्रोटीन। उस प्रोटीन को बनाने के लिए भी हमेशा एक्सप्रेशन चालू रखना पड़ेगा। इसका मतलब ग्लाइकोलाइसिस की जीन, टीआरएनए आरआरएनए बनने की जीन हमेशा, और ऐसी हजारों जीन होती है जो आपकी बॉडी में हमेशा एक्टिव रहेगी तभी काम चलेगा। ऐसी जीन को अपन बोलते हैं कॉन्जुगेटिव जीन। ये यहाँ पे कॉन्जुगेटिव जीन है जिसे अपन बोलते हैं कि इसका एक्सप्रेशन हमेशा रहेगा। तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया कि टीआरएनए आरआरएनए और ग्लाइकोलाइसिस की जो भी जीन होती है अपनी बॉडी में उसका एक्सप्रेशन हमेशा रहेगा। ऐसी जीन को क्या बोलते हैं अपन? कॉन्जुगेटिव जीन बोलते हैं। और ऐसी जीन भी होती है जिनका एक्सप्रेशन हमेशा नहीं होता। जैसे मैं तुम्हें बोला कि आपका ग्रोथ हार्मोन है वो एक एज के बाद में ज्यादा उसका सिक्रेशन नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए, तो उसका जो यहां से एक्सप्रेशन बंद होना जाना चाहिए, तो एक्सप्रेशन बंद हो जाना चाहिए। ऐसी जीन को अपन क्या बोलते हैं? नॉन कॉन्जुगेटिव जीन बोलते हैं, जिसमें एक्सप्रेशन हमेशा जरूरी नहीं है। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल और देके बता सकता हूं कि जो पैनक्रियाज है उसमें इंसुलिन बनता है, उसमें ग्लूकागोन भी बनता है। तो इंसुलिन का जरूरी क्यों है? क्योंकि आपकी बॉडी में शुगर लेवल को कंट्रोल किया जा रहा है। हमेशा जरूरी नहीं है कि आपकी बॉडी में शुगर के लेवल को कंट्रोल किया जाए। आपकी बॉडी में शुगर का लेवल हमेशा बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं रहता है, इसलिए इंसुलिन का जो सिक्रेशन है वो एक नॉर्मल लेवल पे ही रहता है। कई बार अगर आपने शुगर ज्यादा इंटेक कर लिया, ऐसे केस में हो सकता है इंसुलिन का जो जीन का एक्सप्रेशन वो ज्यादा करना पड़े। तो ऐसा कुछ हो सकता है कि कुछ कंडीशन भी बन सकती है, तो कुछ कंडीशन भी बन सकती है, और कुछ केस में यहाँ पे एक टाइम के बाद में भी अपन जीन के एक्सप्रेशन को रोकना पड़ता है। लेकिन कई जीन जो होती है जो हमेशा एक्सप्रेस कंडीशन में रहनी चाहिए, ऐसे जीन का मैंने नाम बता दिया आपको। अब मैं आपको लास्ट में बता देता हूँ कि ये जो जीन का जो है इसका क्या स्टोरी है। इसका मैं स्टोरी समझाना चाहता हूँ आपको। आपके घर में पापा जी है, पापा जी सुबह सुबह अखबार पढ़ते हैं, सुबह सुबह अखबार पढ़ते हैं, उन्होंने उनका जो इंटरेस्ट का एरिया है, मैं बोलता हूँ कि अपनी हर एक सेल जेनेटिकली आइडेंटिकल है, फिर भी ऐसा क्यों होता है कि यार लीवर सेल में बाइल जूस बनता है और पैनक्रियाटिक ग्लैंड में इंसुलिन ग्लूकागोन बनता है और न्यूरॉन सेल में न्यूरोट्रांसमीटर बनता है और जो किडनी सेल है उसमें फिल्ट्रेशन करने वाले यूनिट का जो भी रिक्रिएशन होता है उसका रॉ मटेरियल बनता है और बहुत सारे अपने ग्लैंड्स होते हैं उनमें अलग अलग टाइप के हॉर्मोन बनते हैं और अलग अलग टाइप के अपने अपने ग्लैंड्स में एंजाइम्स बनते हैं। इन सब का कंट्रोल किस लेवल पे किया जाता है, कैसे किया जाता है? कैसे? देखो, पापा जी अखबार पढ़ते हैं, पापा जी का जो इंटरेस्ट का एरिया वो पॉलिटिक्स है, मान लेता हूं। तो पापा जी जब भी अखबार पढ़ेंगे तो वो पॉलिटिक्स की न्यूज पढ़ेंगे, पॉलिटिक्स की न्यूज पढ़ के वो रख देंगे। उसके बाद में मम्मी आएगी उसी अखबार को पढ़ने के लिए, और मम्मी का जो इंटरेस्ट का एरिया है वो है कि किचन में सामान किस तरीके से मॉडिफाई किया जाए, या फिर कौन सा हीरो किस मूवी में, कौन सी हीरोइन किस मूवी में, कौन सी हीरोइन किस सीरियल में काम कर रही है, ये आपकी मम्मी का इंटरेस्ट का एरिया है। तो आपकी मम्मी वो पर्टिकुलर न्यूज वाला पेज ही खोल के पढ़ेगी और उसके बाद में अखबार को रख देगी। इसके बाद में आपका छोटा या बड़ा भाई आता है और आपके बड़े भाई का इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में, इसलिए वो सीधे सीधे ही सेकंड लास्ट पेज निकालेगा और उसमें वो अपने स्पोर्ट की सारी न्यूज पढ़ेगा और न्यूज पढ़ के अखबार को रख देगा। इसके बाद में आपकी छोटी बहन आएगी और वो कहीं ना कहीं वो अखबार में कलर कर देगी या फिर बहुत सारी हीरोइंस की हीरो की अच्छी अच्छी पिक्चर्स पे मूछ बनाएगी, ऐसे कुछ करके वो पेंटिंग करके, या फिर वो हीरो हीरोइन की फोटो देख के रख देगी। ऐसा कुछ हुआ आपके अखबार के साथ में आपके घर में। मुझे बताना, जब आप शाम को जब खाना खाने बैठते हैं तो आपके पापा जी बोलते हैं सबको कि आज नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में स्पीच देने आया था, या फिर नरेंद्र मोदी आज जयपुर में स्पीच देने आया था। ऐसा आपके पापा ने बोला, ऐसा बोलते ही मम्मी ने और आपके भाई ने बोला कि ये आपको कैसे पता लगा? तो आपके पापा ने बोला कि मैंने अखबार में पढ़ा था। फिर थोड़ी देर बाद में मम्मी बोलती है कि पता है कि अब की बार शाहरुख खान कौन सी मूवी को रिलीज करने वाला है, कौन सी मूवी की शूटिंग कर रहा है। तो आपकी मम्मी पर्टिकुलर मूवी का नाम बता दी है। ऐसा बोलते ही आपके पापा और आपके भैया बोलते हैं, ये न्यूज आपने कहां पे पढ़ी? तो बोलती है, मैंने ये न्यूज अखबार में पढ़ी। उसके बाद में आपका छोटा भाई बोलता है कि कल भारत पाकिस्तान का मैच है, शाम को 3:30 बजे स्टार्ट होगा। तो आपके पापा और मम्मी पूछते हैं, ये न्यूज कहां पे पढ़ी तूने? तब वो बोलता है, मैंने अखबार में ये न्यूज पढ़ी है। और आपकी छोटी बहन बोलती है कि आज मैंने वो शाहरुख खान की और उसकी अजय देवगन की पिक्चर देखी है। तो आपके पापा और आप उसे पूछते हैं,
कि ये न्यूज आपने कहां पे पढ़ी, तो बोलती मैंने ये फोटो अखबार में देखी है, मुझे बताना जो अखबार है वो एक ही था लेकिन इंटरेस्ट का एरिया देखो सबका अलग अलग, इंटरेस्ट का एरिया सबका अलग अलग, जो चीज जिसको ज्यादा जरूरी है, जो जिसमें इंटरेस्ट रखता है उसे वो देखता है। तो आपके अखबार को आप एक डीएनए समझ लीजिएगा, और जो इंफॉर्मेशन के जो बिटाई जितने भी बुलेटिन है उन सबको आप जीन समझ लीजिएगा, और उनका एक्सप्रेशन देखिएगा किस तरीके से आता है, जो जिसका इंटरेस्ट का एरिया है। मेरी स्किन सेल में यहाँ पे इंसुलिन बनाने वाले जीन तो होते हैं लेकिन एक्सप्रेशन नहीं होता है, मेरी स्किन सेल में यहाँ पे बाइल जूस बनाने वाले जीन तो होते हैं लेकिन एक्सप्रेशन नहीं होता है, मेरी लीवर में इंसुलिन बनाने वाले जीन, मेरी लीवर में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करने वाले जीन तो होते हैं लेकिन उसका एक्सप्रेशन लीवर में नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है जहां पे जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती है वहां पे ही उस जीन का एक्सप्रेशन होता है, और ये सारा का सारा कंट्रोल इस मेथड से किया जाता है। ये आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो सकती है, ये फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी हो सकती है, ये एनवायरमेंटल एक्टिविटी हो सकती है, और ये डिफरेंशिएशन और डेवलपमेंट एरिया हो सकता है। ये मैंने आपको एक स्टोरी और एक मेन कॉन्सेप्ट के साथ में मैंने जीन एक्सप्रेशन बताने की कोशिश करी है, समझ में आया है, और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बेधड़क पूछिए, मैं आपको तुरंत आंसर दूंगा। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।